आपको इन लोग का भी वोट मिला होगा, वह वोट का कर्ज उतारिए, सहयोग तो आप तनखा कर दीजिएगा तो बात बन जाएगा। मान लीजिए इन लोग को भी कुछ दिनों का समय मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के मुरौल प्रखंड अंतर्गत मीरापुर पंचायत के मीरापुर गांव में आए हुए हैं। एक ऐसा विवादित बयान आया है जिसको बारे में सुनने के बाद आपको लगेगा कि गरीब और असहाय और भूमिहीन को घर बनाने के लिए सरकार बोलते हैं, एक तरफ जमीन की देने की बात होती है तो एक तरफ से घर उजारने की बात हो रही है। आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे नोटिस अंचलाधिकारी के महोदय के तरफ से चिपका दिया गया है कि 14 तारीख को अगर ये लोग वहाँ पे हाजिर नहीं होते हैं ब्लॉक पर, तो इन लोगों का अतिक्रमण, जो घर द्वार जो इतना बड़ा बड़ा बना हुआ देख रहे हैं, झोपड़ी का जो मरई है, ये सब मरई को बुलडोजर के द्वारा हो या किसी माध्यम से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं कि हम लोग का तो कहीं जमीन भी नहीं है तो हम लोग घर कहाँ बनाएंगे। चलिए पहले इन लोग का दर्द जानते हैं कि दर्द क्या है और क्या दर्द बयां करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सैल कुमारी। कितना दिन से यहाँ रहते हैं? 65 बरस। 65 बरस जी। मतलब आप लोग का जी, हम लोग के मजदूरी करके खाते, खाने के लिए तो पैसा है ये नहीं है, तो मान लीजिए कि जमीन कहाँ खरीदेंगे या घर द्वार कहाँ बने। एक दिन कमाते एक दिन नहीं कमाते है, तो हम लोग कहाँ से अथी कर, बाल बच्चा को भी सही से नहीं परवरती हो। क्या बोलना चाह रहे हैं? नीतू देवी नाम है। हम लोग के जमीन जता है ये ना, हमको बाबा दादा 60 साल 65 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। हम लोग आते हैं, मुखिया जी आते हैं, वीडियो लोग आते हैं, बोलते हैं आप लोग घर हटाइए। हम सीओ लोग आते हैं तो हम बोलते हैं हम लोग के है ये ना, तो कहाँ जाए, तो आप लोग के नदी किनारे पहले थे ना, वहाँ जाइए। तो नदी, जब नदी किनारे हम लोग के दह गया तो हम लोग कहाँ रहेंगे, बच्चा लेके पढ़ाए लिखाएंगे खाएंगे कि मजदूरी करेंगे कि अब जमीन खरीद के हम लोग घर बनाएंगे। यहाँ से 65 साल से हम लोग बसे हुए, तो कहूँ ना कहूँ देंगे तब ना हम लोग जाएंगे पंचायत। पहले 65 साल से यहाँ पे रह रहे हम लोग के बाबा दादा रह रहे हैं। अच्छा दादी, यहाँ कितना दिन से रह छी? क्या मामला है भैया? यहाँ पे मामला है कि हम लोग का पहले घर नदी किनार था, नदी किनार बाबा दादा रहते थे, वहाँ दह गया तो वहाँ जमीन भी कट के नदी में चला गया। उसके बाद बाबा दादा यहाँ लेके हम लोगों को बसा दिया। यह जमीन सरकारी है तो हम लोग को नहीं रहने के कारण सरकारी जमीन में हम लोग उपस्थित हो गए। आज किसी भी कारणवश कहीं से भी कोई बात हो गया है तो यहाँ से आदमी जो भी आते हैं सब कहते हैं कि यहाँ से तुम लोग हटो, यहाँ भवन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। एक तो आने जाने का रास्ता भी नहीं है, तो पहले तो रास्ता का विचार किया जाए और यहाँ से हटाने का विचार किया जा रहा है। तो यहाँ जमीन नहीं है तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कहीं भी आप लोग का जमीन नहीं है? कहीं भी जमीन नहीं है, एक बित्ता जमीन नहीं है। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं? इंदिरा आवास नहीं मिला है, नहीं मिला है, कहाँ से मिलेगा? इस पर मिलेगा तब घर कहाँ बनाएंगे? आप लोग का इंदिरा आवास ही नहीं मिला? हम लोग का है ना जमीन, तो इंदिरा आवास कौन सी के मिले? अच्छा कहीं जमीन आप लोग का नहीं है? कहीं नहीं है, नहीं के कारण नहीं यहाँ रहते हैं। जब रहेगा तो जहाँ बाप दादा रहता है ना बनाएगा घर, सरकारी में कौन जरूरी है रहने के लिए? क्या कहिएगा सरकार से? क्या कहिएगा सरकार से? है ना विनती मांगेंगे, अगर यहाँ से हटाना चाहता है तो कहीं देगा तब ना हम लोग जाएंगे, खाली कर देंगे, अगला कहीं देगा तो हट जाएंगे यहाँ से। हम आपको पूरा जानकारी बताएंगे कि इन लोग का जमीन था, अब कहाँ था से जान लीजिए। यहाँ से महज मतलब 1 किलोमीटर के आसपास बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक के किनारे इन लोग का जमीन था, लेकिन 1956 में बाढ़ आया, वही बाढ़ में जमीन दह गया। यानी कि समझिए कि बूढ़ी गंडक यदि माता बूढ़ी माँ मतलब अपने इन लोग का जमीन का अपना शिकार बना ली, यानी कि वह जमीन नदी में कट गया। हालांकि उसका भी मुआवजा इन लोगों को नहीं मिल पाया। उसके बाद जब बाढ़ आया तो ये ऊंचा जगह है कि नहीं? यहाँ पे बाढ़ उड़ नहीं आता? नहीं, यहाँ बाढ़ नहीं आता है, ये ऊंचा स्तर है और यहाँ पे आके ये लोग बस गए। हालांकि यह जमीन सरकारी है, इन लोग को भी कहना कि यह जमीन सरकारी है, लेकिन अब चिट्ठी आया है मतलब सरकार के द्वारा और अंचलाधिकारी मुरौल के द्वारा कि आप अविलंब यह जमीन खाली कीजिए और इन लोग को बैठक के लिए, समझौता के लिए 14 तारीख को, यही 14 तारीख को यानी कि 13 दिन बाद ब्लॉक पर बुलाए हैं और उसके बाद बोलेंगे कि यह बात को आप मानिए और बड़ा बड़ा बुलडोजर आएगा, इन लोग का भी घर द्वार पूरा तहस नहस करके हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार महोदय थोड़ा आप सोचिए ना कि ये लोग भूमिहीन आदमी है, इन लोग के कहीं घर नहीं है, इन लोग का कहीं खाली जमीन भी नहीं है, प्लॉट भी नहीं है, तो इन लोग घर कहाँ बनाएंगे? एक तरफ कहा जाता है कि जो भूमिहीन है उनको घर बनाने के लिए सरकार जमीन की मुहैया कराएगी, तो एक तरफ सरकारी जमीन पर बसे हुए लोगों को सरकार बोल रही है कि वो जमीन खाली कर दो। यहाँ पे मुखिया जी पर ताबड़तोड़ आरोप लग रहे हैं। मुखिया जी को आप लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? मुखिया जी कहते हैं कि यहाँ कोई सरकारी जमीन है ये नहीं है, दूसरा तक कहाँ बनाएंगे? अब तुम लोग को जहाँ जाना है तहाँ जाओ,
अपना जमीन खरीदो, घर बनाओ, ये ले लो वोट दिए। हाँ तो क्या करेंगे, वोट तो देना ही पड़ता है, पंचायत में रहेंगे तो वोट देना ही पड़ेगा ना। क्या बोलते हैं मुखिया जी? बोलते हैं आप लोग जमीन खरीद के जाइए, कहूँ बनाइए, हम लोग के नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे, लोग कोने का प्रतिनिधि बनाता कल। मुरौल प्रखंड के और मीरापुर पंचायत के जनप्रतिनिधिगण थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको इन लोग का भी वोट मिला होगा, वह वोट का कर्ज उतारिये, सहयोग तो आप तनखा कर दीजिएगा तब बात बन जाएगा। मान लीजिए इन लोग को भी कुछ दिनों का समय मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारी जमीन ये लोग खाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंचलाधिकारी महोदय और उसके बाद बिहार सरकार महोदय, केंद्र सरकार महोदय, उसके बाद BDO साहब, DM साहब, जब इन लोग के पास दर्द है और भूमि भी अलग नहीं है, पैसे कौड़ी भी नहीं है, तो हो सकता है इन लोग का अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का समय मिल जाता तो ये लोग कहीं अपना अलग गैर गुजारा कर सकते थे और गैर गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अचानक यानी कि मात्र 14-15 दिन के टाइम देकर इतना बड़ा नोटिस चिपका देना, ये जरूरी नहीं है। अगर आप चिपका दिए हैं तो इस पर संशोधन करने का प्रयास करें। तो अभी हम मुरौल प्रखंड के मीरापुर पंचायत में आए हुए थे, आप देख रहे थे ईमानदार न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।